नाज़रीन-ए-गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन-ए-गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन-ए-गिरामी तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा, यह आपकी ज़िम्मेदारी है। आइए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गज़ा पट्टी की सूरत हाल दिन ब दिन तबाहनाक, ख़तरनाक, वहशतनाक इख्तियार करती जा रही है। गज़ा में निहत्ते फिलिस्तीनियों पर जालिम दहशतगर्द सहयूनी जहन्नमी कुत्तों के हमले जारी हैं। इधर गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली अफवाज ने, इन जहन्नमी कुत्तों ने जबालिया पर, खान यूनुस समेत कई इलाकों पर हमले करके मज़ीद 35 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है। जालिम दहशतगर्द इसराइली इन जहन्नमी कुत्तों ने जबालिया कैंप पर बमबारी की, 14 फिलिस्तीनी यहां पर शहीद हुए, जबकि कमाल अदवान हॉस्पिटल में बेघर फिलिस्तीनियों की खेमों पर भी बुलडोज़र चढ़ा दिए। तो नाज़रीन-ए-गिरामी, इनकी जारहियत की, दरिंदगी की इंतहा देखिए कि हॉस्पिटल में मौजूद बेघर फिलिस्तीनियों की खेमों पर वहाँ मौजूद लोगों को भी, लोग भी इसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। मगरबी किनारे में भी इसराइली इन जहन्नमी कुत्तों की फायरिंग से 2 फिलिस्तीनी शहीद हुए। फ्रांसीसी वजारत खारिजा ने इसराइली अफवाज की जानिब से रिहायशी इमारतों को निशाना बनाने की मजम्मत करते हुए कहा है कि रफा में इसराइली बमबारी से फ्रांस का एक अहलकार भी जांबहक हुआ, जो कि अपने साथियों के अहले खाना के हमरा एक घर में पना लिए हुए था, जिसे चहारशुंबे को इसराइली फिजाइया ने अपनी बमबारी का निशाना बनाया। यह कत्ल ऐसे वक्त में हुआ जब फ्रांस के आला सिफारतकार कैथरीन कोलोना इसराइल में जंगबंदी और देर पा अमन की अपील कर रही है। फ्रांस की वजारत बराए यूरोप और खारिजा उमूर ने रफा में एक रिहायशी इमारत पर इसराइली बमबारी की मजम्मत की, जिसमें एक फ्रांसीसी अहदेदार की हलाकत हो गई, जबकि इस इलाकों को पहले महफूज जोन करार दिया गया था। अपना एक शहरी हलाक हो जाता है तो किस तरह से फ्रांस जो है अब पूरी की पूरी कार्रवाई को दहशतगर्दी से ताबीर कर रहा है, आप अंदाज़ा लगाएं। यहाँ हर दिन दसियों की तादाद में मुसलमानों को शहीद कर देता है, ज़बान नहीं खुली। अपना एक शहरी जहन्नम वासिल हो गया तो फ्रांस जो है वह एहतजाज पर उतर आया। ये इन लोगों की जो है नाज़रीन-ए-गिरामी कमीनगी है, इनका दुगलापन है। खुद हथियार देते हैं मुसलमानों को मारने के लिए, फिलिस्तीनियों को मारने के लिए, गज़ा की पट्टी के मुसलमानों को मारने के लिए। किस तरह बरतानिया ने साथ दिया, अमेरिका ने साथ दिया, फ्रांस ने साथ दिया, जर्मनी ने साथ दिया, आप जानते हैं। नेटो में मौजूद तमाम के तमाम ममालिक इस वक्त जो है बशमूल अरब हुक्मरानों के, वो इस वक्त 40 से 50 हज़ार फिलिस्तीनी जो ज़ख्मी हैं और 20 से 25 हज़ार के करीब जो शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है, सब के कातिल तमाम के तमाम ममालिक। उधर नाज़रीन-ए-गिरामी, अल-क़स्साम ब्रिगेड्स यानी हमास भी लगातार दावे कर रही है कि किस तरह से वो निशाना बना रही है। गज़ा में इसराइली फ़ौज जहन्नमी कुत्तों और फिलिस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों के दरमियान कशीदगी को 3 महीने से ज़्यादा का अरसा बीत चुका, 4वें महीने में कदम रख चुका है। ऐसे में आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से, कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलोर के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयात या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए
हमें आर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तियाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ आर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ लाएं या इस नंबर पर राबता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, तफसीलात स्क्रीन पर। तकमीली तलबीना, ताकत सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाज़रीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला ना जाए, इसलिए अभी हमसे राबता करें। 9890963757 तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। ये हमास की जो अस्करी विंग है, इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स, खान यूनुस में एक ऐसे घर को धमाके से उड़ा दिया जहाँ जालिम दहशतगर्द सहयूनी जहन्नमी कुत्ते छुपे हुए थे। इससे कबल इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की थी कि उसकी अफवाज ने शुजाया बटालियन के हेडक्वार्टर्स का कंट्रोल संभाल लिया है, लेकिन बाद में सब के सब जो है वो जहन्नम वासिल हो गए। इधर नाज़रीन गिरामी, दो इसराइली फ़ौजियों की लाशें भी गज़ा की पट्टी से मिलने का ऐलान किया है इसराइली फ़ौज ने। IDF ने कारपोरल निक बाजार और सार्जेंट रोन शर्मेन की लाशें बरामद की, उन्हें इसराइल को वापस भेज देने का दावा किया है। तो ये सारी तफसीलात जो नाज़रीन गिरामी इस वक्त आ रही हैं आप लोगों के सामने, वो सब के सब जो है एक तरफ अल-क़स्साम ब्रिगेड्स यानी हमास मुजाहिदीन की जानिब से सहनी फ़ौजियों को जहन्नम हासिल करने की खबरें हैं, और एक तरफ जो है मुख्तलिफ इलाकों में सहयूनियों की जानिब से हमले की वो खबरें जिसमें लगातार शुहदा की तादाद बढ़ती जा रही है और लगातार गज़ा की पट्टी की हालत बहुत ही भयानक और ख़तरनाक होती जा रही है। ऐसे में नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो सामने आई है जिसमें सहयूनी फ़ौजियों के हलाक होने की, जहन्नम वसिल होने की किस कदर बड़ी तादाद हो सकती है, इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक इसराइली फ़ौजी अहलकार ने तलबा को फ़ौज में भर्ती होने पर जोर देने पर एक मबनी वीडियो जो सामने आई, उसमें इसने इस बात का एतराफ़ करते हुए नज़र आ रहा है कि हर 5 मिनट में एक फ़ौजी जहन्नम वासिल हो रहा है, तलबा को फ़ौज में भर्ती होकर उसकी मदद करनी चाहिए। जबकि इसराइली डिफेंस के तर्जुमान की अलल एलान बरमला यह एतराफ़ है कि 1300 ये इनके जो सहयूनी फ़ौजी कुत्ते हैं ये जहन्नम वासिल हो चुके, ये ऑफिशियल है, जबकि हकीकत इससे कई गुना ज़्यादा फ़ौजी हलाक हो चुके हैं, जहन्नम वासिल हो चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद का अगर ख़ुद इसराइल के डिफेंस का एक तर्जुमान एतराफ़ करता है और ख़ुद जो है एक फ़ौजी की ये वीडियो जो तलबा को, सहयूनी तलबा को या इसराइली तलबा को गुफ्तगू करते हुए वायरल होती है, तो इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं, जिसमें खुद एतराफ़ कर रहा है अफसर ने कहा है कि हर 5 मिनट में एक फ़ौजी मरता है। उसने कहा कि तमाम नुकसानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं जबकि जंग अभी शुरू नहीं हुई। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जब अब तक जंग शुरू नहीं हुई उस वक्त की अगर एक क्लिप है तो अब तक न जाने आधे से ज़्यादा सहयूनी फ़ौजी कुत्ते जहन्नम वासिल हो चुके होंगे। ताहम इस वीडियो की तारीख का तायुन नहीं हो सकता, जबकि गज़ा और फ़िलिस्तीनियों के हामियों ने तस्दीक की कि मंजर इसराइली फ़ौज के तलख नुकसानात को साबित करता है। बास का कहना है कि वीडियो पुरानी है और जो है गुज़्ता महीने की हो, जो कुछ भी हो, अगर उसी मौके पर इतनी बड़ी तादाद में अगर हर 5 मिनट में फ़ौजी मर रहा हुआ जहन्नम हासिल हो रहा होता है तो अब तक इसकी तादाद किस कदर भयानक अंदाज में। और तस्वूर से इससे पहले भी मैंने आपको इस बात को कह चुका हूँ कि जो नुकसान इसराइली फ़ौजियों को या इसराइली हुकूमत को, वो चाहे इक्तिसादी तौर पर हो या माशी तौर पर हो या तिल अबीब में बड़ी बड़ी इमारतों को नुकसान पहुँचाने को लेकर के हो या फिर रास्ते में गुजरने वाली गाड़ियों और सवारियों के नुकसान को लेकर के हो, ये उसके तस्वूर से बाहर है और वो ये तस्वूर भी नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा जो है नुकसान उसको पहुँच सकता है और ये जंग 3 महीने तक जारी रह सकती है।
इसीलिए अमेरिका ने साफ वाजे तौर पर कहा कि मजीद एक महीना अगर जंग जारी रहा तो इसराइल की क्या हालत पैदा होगी वो बयां नहीं किया जा सकता। और जाहिर सी बात है कि यमन ने भी उधर जो इस वक्त इसराइली और अमरीकी कश्तियों को निशाना बना रही है उससे पूरी दुनिया की इक्तिसादियात पर माशियात पर हमला हो रहा है और उसका नुकसान पहुंच रहा है। तो अब बड़े बड़े ममालिक जैसे फ्रांस का मैंने तस्करा किया, फ्रांस ने भी गजा में जंगबंदी के अपील करना शुरू कर दी। फ्रांस की वजीर खारिजा कैथरीन कोलोना वो वहाँ पहुँच चुकी है। और इसके अलावा नाज़रीन गिरामी इसराइल गजा में दहशतगर्दी कर रहा है, इसको पोप फ्रांसिस ने भी अब जो है बरमला इसका इजहार कर दिया। ईसाई दुनिया के सबसे बड़े पोप माने जाने वालों ने इस वक्त जो है इसराइली फौज की तरफ से गिरजाघर के अहाते में पनाह लेने वाली दो मसीही खवातीन के मुबैना कत्लेआम की मजम्मत की है। सिर्फ दो खवातीन मसीही खानदान से ताल्लुक रखने वाली की कत्लेआम को लेकर के कत्ल को लेकर के पोप फ्रांसिस बोल पड़ता है। पूरी दुनिया के ईसाइयों का सबसे बड़ा सरबरा मजहबी तौर पर अगर माना जाता है तो वो पोप फ्रांसिस है। वो अपने मजहब से ताल्लुक रखने वाली दो खवातीन के कत्ल पर पूरी दुनिया से कहता है कि ये दहशतगर्द कौम है, वो दहशतगर्दी कर रही है और हमारी कौम के 50,000 से ज़्यादा ज़ख्मी पड़े हुए हैं जिनके इलाज के लिए कोई किसी ख़ास चीज़ मयस्सर नहीं है। गज़ा के पट्टी में 95% जो रिहायशी थे जो ज़िंदा बच गए सब के सब बेघर हो चुके हैं। शुहदा की तादाद ऑफिशियल रिकॉर्ड में देखा जाए तो 20,000 से 21,000 की बताई जा रही है, लेकिन जो मलबे में दबे हुए हैं उनकी तादाद 7,000 से 8,000 है। तो आप काउंट कर लीजिएगा कि शुहदा की तादाद कितनी होगी। एक भी दुनिया का जो सारा मुसलमान जिनको मानते हो वहाँ का एक मजहबी रहनुमा इस बात की मजम्मत भी नहीं करता, इसका इजहार भी नहीं करता। हज़ारों की तादाद में शुहदा, हज़ारों की तादाद में मासूम बच्चे, इस वक्त जो है किसी का पैर चला गया है, किसी का धड़ अलग हुआ है, कोई बैठ नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, किसी का पैर कट चुका है, किसी की उंगलियां कट चुकी हैं, किसी के जिस्म के चेहरे पर गहरे ज़ख्म हुए बॉसफोर्स की वजह से, किसी का पूरा जिस्म आधा जिस्म जल चुका है आधा बाकी है, देख नहीं सकते नज़रें, इतनी वहशतनाक, इतनी दहशतगर्दी पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया की सरबराह देख रहे, अय्याश हुक्मरान देख रहे, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, यहाँ सिर्फ अपने मजहब की दो खवातीन का कत्ल होता है तो पोप फ्रांसिस बोल उठता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त हमारी बेगैरती की और क्या इंतहा हो चुकी है। पोप फ्रांसिस का बयान इस वक्त पूरे यूरोपियन ममालिक में जली सुर्खियों में शाये हो रहा है और इसराइल को दहशतगर्दी करने पर कहने पर कोई पोप फ्रांसिस को दहशतगर्द नहीं बोल रहा है। और हमारी अय्याश हुक्मरान, हमारे जितने भी बड़े बड़े मसाजिद के इमाम हैं वो तो खामोश हैं, बोल नहीं सकते, उनकी ज़बान पर ताले लगे हुए हैं। वो तो हमास को और मुजाहिदीन को ही कमज़ोर करने पर तुले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस कौम पर अज़ाब ना आवे तो और क्या हुए। बहरकैफ़ नाज़रीन गिरामी इसका इजहार मुझे आपके सामने करना था कि एक तरफ दो खवातीन, उधर फ्रांस का सिर्फ एक आदमी जो पनाह लिया हुआ था और उसको इसराइल मार देता है, पूरा फ्रांस जंगबंदी के लिए कह देता है। दो मसीही खवातीन का कत्ल होता है, पोप फ्रांसिस बोल पड़ता है। तो नाज़रीन गिरामी इधर अमरीका जो इस वक्त पूरी तरह जारहियत कर रहा है इसराइल के साथ, सहयूनी जहन्नमी कुत्तों को अपनी फौज से भी ताउन दे रहा है, अपने
जंगी तैयारों को भी भेज रहा है, मिसाइल्स भी फराहम कर रहा है, जंगों को थोपता है दूसरे ममालिक पर, और इसका अपना मईशत का बहरान इस कदर है कि अगले साल अमेरिका में लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और अमरीकी मईशत कसाद बाजारी की वजह से वहां की मईशत तबाह हो जाएगी। अपनी मईशत का, अपनी इक्तसादियात का इस कदर होने के बावजूद ये इस कदर जुनूनी ये अमरीका है, और या फिर यूं कहें कि इस कदर ये मुसलमानों का दुश्मन है कि जो है अपना सब कुछ नुकसान करने के बावजूद भी मुसलमानों के कत्ल आम में बराह रास्त शामिल होता है। दुनिया की सबसे बड़ी अमरीकी मईशत को इस वक्त 2023 में कई चैलेंजेस का सामना है, और नए साल में भी मुश्किलात कम होती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस के बजट ऑफिस CBO की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में लाखों अमरीकियों की मुलाजिमतें खत्म हो सकती हैं और मुल्क में बेरोजगारी की शरह 3.9% से बढ़कर 4.4% तक पहुंचने का खदशा है। अमरीकी मईशत की तस्वीर पेश करते हुए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुल्क को बेरोजगारी के अलावा और भी कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसमें बहुत सी माशी मसाइल शामिल हैं, जैसे सारिफिन की कमजोर मांग, गैर जरूरी अखराजात में कमी, सारिफिन के अखराजात में कमी, बरामदात में कमी। तहम रिपोर्ट में उम्मीद भी जाहिर की गई कि हुकूमत अगले साल तक अपने अखराजात में इजाफा करके आवाम को टैक्स रिलीफ फराहम करने के लिए कुछ जरूरी इकदाम कर सकते। बैक है नाजिमी जो अंदरूनी सतह पर अमरीका की हालत है माशी एतबार से, मीशत के बहरान के अतबार से वो अपनी जगह है, और इसके बावजूद किस तरह से जो है मुसलमानों के खून का प्यासा बन चुका है अमरीका, वो इस वक्त गज़ा की पट्टी में हो रहे कत्ले आम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, ये सारी जो है गज़ा पट्टी से जुड़ी हुई खबरें थी जो आपके सामने रखी। दो अहम तरीन खबरें मैं आपके सामने रख कर की इजाज़त लेता हूँ। एक ये है कि इस वक्त भारत में वो हलाल को लेकर के मुसलमानों से वाबस्ता किसी भी मसले को लेकर के मसाइल ख़त्म ही नहीं होते, और BJP लीडरान तो यूँ समझिए कि मुसलमानों के मसाइल से ही ये लोग ज़िंदा हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल बोल करके ही अपनी सियासत में ज़िंदा हैं, बसूरत दीगर इनको कोई पूछ कर देखने वाला भी नहीं रहेगा। और इसके लिए बहुत सारे बदनाम नाम हैं, उसमें से एक है गिरिराज सिंह, आप जानते हैं, जो मरकज़ी वज़ीर भी है और BJP का मुतनाज़ा लीडर है। इसने गोश्त खाने वाले हिंदुओं पर जोर दिया कि वो सिर्फ झटका यानी ब्लेड की एक ज़र्ब से मारे जाने वाले जानवरों का गोश्त खाएं। और सिंह ने अपने बेगूसराय पार्लिमानी हलके में अपने हामियों से अहद भी कराया कि अब से वो हलाल गोश्त खाकर अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं करेंगे, और वो वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। इतवार को बेगूसराय में सहाफ़ियों से बात करते उन्होंने कहा कि मैं उन मुसलमानों की तारीफ करता हूँ जो सिर्फ हलाल गोश्त खाते हैं, अब हिंदुओं को भी अपनी मजहबी रिवायात के तहत इसी तरह की वाबस्तगी का मुजाहरा करना चाहिए। हिंदुओं में जानवर को मारने का तरीका झटका है। हिंदू जब भी बलि यानी जानवरों की कुर्बानी देते हैं तो वो एक ही ज़र्ब से करते हैं, इसलिए उन्हें हलाल गोश्त खाकर अपने आप को भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। एक नए कारोबारी मॉडल की ज़रूरत पर भी जोर दिया जिसमें मजबा खाने और झटका फरोख्त करने वाले हों। ताम फिलहाल हर शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपलिटी या ग्राम पंचायत के लाइसेंस की बुनियाद पर दुकानें चलती हैं। नाज़रीन गिरामी, ये BJP लीडरान के इन बुनियादी सहूलियात पर बात नहीं करेंगे, ख़राब रास्तों पर बात नहीं करेंगे, बेरोज़गारी पर बात नहीं करेंगे, जो फीस इस वक्त बढ़ाई जा रही स्कूलों में और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के अलग अलग PhD के अलग अलग जितने भी शोबाजात हैं उसमें जो बढ़ाई जा रही है, तलबा परेशान है, उस पर गुफ्तगू नहीं होगी। और नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, डिग्री है एक से दो, दो से तीन डिग्रियाँ लेने वाले बेरोज़गार रास्ते पर घूम रहे, उस पर गुफ्तगू नहीं होगी। हाँ, बात होगी तो हिंदू मुसलमान पर, हलाल पर, झटका पर, हिजाब पर, नमाज पर और न जाने किन किन की चीज़ों पर। इस वक्त पूरे माहौल को मुकद्दर और गंदा करने की पूरी साजिशें चल रही हैं। इस दरमियान में नाज़रीन गिरामी, तेलंगाना के कर्नूल से एक वीडियो आ जाती है जिसको लेकर के इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। बताया जा रहा है कि एक बच्ची कर्नूल के जो ख़वातीन का कैदखाना है वहाँ बाहर खड़े होकर के रो रही होती है, अपनी माँ को जो है आवाज़ दे रही होती है। ये आंध्र प्रदेश का है, कर्नूल जो आता है वहाँ पर, और ये रास्ते से गुजरने वाले कुछ लोगों ने देखकर के पुलिस को इस सिलसिले में इतला भी दी। दरअसल ये 12 दिसंबर की बताई जा रही है।
खतीजा भी जिसकी उम्र 35 साल है उसको किसी मामले में गिरफ्तार करके जो है इस ख़वातीन के जेल भेज दिया गया था, जहां उसकी 9 साल की बेटी आकर के लगातार रोए जा रही थी और उससे मिलने की जो है लगातार दरख्वास्त कर रही थी। बहरहाल उसके बाद जब पुलिस को पता चला तो उसको अपने माँ से मिलवाया और उसके बाद वो, लेकिन ये वीडियो इस कदर इस वक्त वायरल हो रही कि इस पर अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अत ओ हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अत ओ हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।